सीआई श्री प्रीतम सिंह ठाकुर जी द्वारा सभी नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को किराएदार की जानकारी देने हेल्प फॉर सीनियर सिटीजन फॉलो ट्रैफिक रूल्स हेल्प एक्सीडेंट केस के बारे में जानकारी दी और सभी को कार्य करने के लिए उत्साहित किया। सवाद में उपस्थित रावजी बाजार टीआई प्रीतम सिंह ठाकुर एसआई वसुनिया जीएसआई सीमा धाकर धर्मेंद्र पाठक जी नगर सुरक्षा समिति उप संयोजक मोहम्मद सफीक निसार गोप और सदस्यगण कृपया जिम्मेदार नागरिक बने, यातायात नियमों का पालन कर सावधानी से वाहन चलाएं, स्वयं सुरक्षित रहें व दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इंदौर मध्य प्रदेश से अमजद खान की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अभी पहले तो जो भी और लोग जुड़ना चाहें, जो अपना समय कुछ ऐसा काम करने लगा और समय नहीं मिल पा रहा हो, वो हट सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें कोई बाध्यता नहीं है, अगर आप समय मिल पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ कोई भी अगर गलत उसमें रहता है तो मदद नहीं कर पाती। अगर अपन इस उसमें जुड़े हैं कि नहीं, हम रक्षा समिति से हैं, तो कल को कुछ होता है तो मदद मिलेगी, वो वैसे भी मिलेगी, जितना आपने टाइम या समय अपना इसमें दिया है वो उसके भी आपने भी मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कुछ होगा तो हम पुलिस अपने किसी रिलेटिव को भी बचा नहीं पाती, इसलिए उससे जुड़ने का कोई मतलब है। आप अपना काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समय है क्या आप दे सकते हैं सभी, है ना। और कोई जुड़ना चाहे जो आ सकता है, जो कुछ हम लोगों को बहुत बार जरूरत पुलिस को जैसे एक गवाही के रूप में पड़ती है। मान लो आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, हमें गवाह चाहिए, है ना, जो भी कार्रवाई अमूमन कोई भी गवाही में नहीं आना चाहता, मैं भी नहीं आना चाहूँगा, जा रहे हो और फिर वो कोर्ट जाना पड़ता है। तो रक्षा समिति से जो लोग जुड़े हैं और अगर कोई सही कार्रवाई हो रही है तो उसमें ज़रूर हम चाहेंगे कि वो साक्षी के रूप में रहे, जो इतना ये पहले ही काम पुलिस का है जिसमें हमें या तो फिर वो पॉकेट विटनेस रहते हैं तो एक ही आदमी बहुत से केस में नहीं हो सकता, वो अपने आप पर संदिग्ध हो जाता है, वकील क्रॉस कर लेता है कि इसको पहले और कितने केस में बना है, पता चला वो बनता ही चला जा रहा है। इसलिए अगर आप जुड़े हो वैसे तो और कुछ नहीं कर, समय वैसा रहता है कि पता चला जब पुलिस की जरूरत है तो आपका अपना कोई भी काम कर सकते, है ना। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जब भी ऐसे गवाह की जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे, तो आप सही कार्रवाई तो उसमें कम से कम कर सकते। कभी कभी ये होता है एक्चुअली जैसे एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ आपने देखा, और जिसको एक्सीडेंट हुआ वो अकेले ही है, अकेला चला जा रहा, टक्कर हो गई, अब उसका दवाला नहीं लिखा सकता, क्योंकि रिपोर्ट उसकी तरफ से होती है जो साक्षी बताने पर नहीं होती कि हम कहा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर भाई आएगा, फिर भाई रिपोर्ट लिखाएगा, उसने थोड़ी देखा। तो ऐसी कोई घटना अगर हो रही है कि वो जो है